गाइस, तो अभी हम रुके हुए हैं रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मतलब चाय नाश्ता पानी के लिए। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 7:30, इट्स अबाउट 8 बजने वाला है मॉर्निंग का। हमें करीबन हो चुके हैं 3 घंटे निकले हुए वहाँ से, और अभी हम खड़े हुए हैं गणपति टूरिस्ट ढाबा। मुझे नहीं पता यहाँ का खाना कैसा है, लेकिन हमारे ट्रैवलर वाले भैया का कहना है कि यहाँ का खाना बेस्ट है। और गाड़ियाँ भी खैर खड़ी हुई हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ भी ठीक खड़ी हुई हैं और भी गाड़ियाँ आ ही रही हैं पीछे पीछे से। तो हम खाना वाना खा करके आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पे आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, प्राइस कैसा रहा, कितना हमने आइटम किया। वैसे तो हम नाश्ता करने के लिए आए हैं और साथ के सारे सभी बंदे अंदर गए हुए हैं, तो मैं भी चलता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ बाद में। बाय। ये जो रेस्टोरेंट है अच्छा तो काफ़ी है, इसमें स्पेशियस भी है, और ये जो आपको पीछे से दिख रही है डिवाइडिंग उस तरफ भी है। अब कुछ लोग इस तरफ बैठे खा रहे हैं, इस तरफ जनरली मेरे को फैमिलीज दिख रही हैं, जो लोग ग्रुप में आए हुए हैं वो हैं, और उस तरफ फ्रेंड सर्किल या मतलब डिपेंड करता है लोग कैसे बैठ गए। और ये देखिए, ये मतलब यहाँ का मेन्यू कार्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हो उसमें क्या क्या है। अभी इतना तो बता पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ब्लॉग में, और मतलब गणपति चलो कोई नहीं। तो मतलब अभी फिलहाल हम यहाँ पे नाश्ता करने जा रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर हम आपको आगे का अपडेट थोड़ी देर में देते हैं। मैं फोटोज़ देखने लगा था यहाँ पे, मे भी शायद जिनका है ये उनकी फ़ोटोज़ हैं कुछ ऐसा, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। बाकी अगला अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। गाइस, अभी हमने लिए हैं आलू प्याज के पराठे, और इसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ 65 रुपीज़ पर पराठा। और खा के तो देखा है जिन लोगों ने, वो सदर कैसा है खाने में? बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन अच्छा है खाने में। चलिए मैं भी खाता हूँ, और बस अब तो मेरा ब्लॉग ख़राब करो बीच में, ये मेरा ब्लॉग ख़राब कर रहा है बीच में, इसके बाद तो इग्नोर कर देना। तो ठीक है, फिर आप मैं बताता हूँ अगर कुछ और ऑर्डर कर दो तो। आलू प्याज के पराठे और एक चाय, ये मंगाया। आलू पराठा 65 रुपए का है और चाय 25 रुपए की है। फीडबैक लोगों का ठीक है कि नहीं, पराठा खाने में टेस्टी है, सबने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया है, और फीडबैक लोगों का सबका सही है कि नहीं, हाँ इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़ते है। और अब हमारा अगला टारगेट है अचार का डब्बा, इसको हम यहाँ से गायब करने वाले हैं। ये गायब करेगी चोर, हमने इतना सैंडविच अपने लिए मंगवाया है और ये खा बिल्कुल भी नहीं पाती हैं, इनकी डाइट बहुत ही कम है, लेकिन उन्होंने पूरा सैंडविच, एक हम लोगों ने कढ़ाई पनीर ही मंगवाया था, वो ख़त्म हो गया, वो नहीं पता कितने का था, अभी लास्ट में आपको पूरा बिल अटैच करके बता दूंगा कि हमारा टोटल खर्चा कितने का आया। और ओवरऑल ये जगह आने लायक है, ठीक है, 128 GB पूरा फ्लोर करवाता हूँ। देखिए 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 देखिए, पीछे भी काफ़ी बड़ा हुआ है उधर पे, और आपको इस साइड दिखाता हूँ, ये इसका दूसरा साइड है, ये बीच में डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग से अपना दूसरा साइड है, तो सही है। और फैमिली के लिए और भी किसी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो। पीछे मेरा गैंग आ रहा है और हम चल रहे हैं बाहर की ओर, देखते हैं, आपको बाहर से भी एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। डैम धूप बहुत है, गणपति आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी गाड़ी को ढाबा नंबर 1 और ये है बाहर से लोकेशन इसकी, गणपति टूरिस्ट ढाबा, पूरा नाम ये गणपति टूरिस्ट ढाबा। गाड़ियाँ भी ठीक ठाक लगी हुई हैं काफ़ी, और सर्विस भी अच्छी थी, प्राइस भी ठीक था, 12 लोगों के बीच में अराउंड 1200 रुपये का बिल आया हुआ है, जिसमें कि हमने एक आलू प्याज का पराठा, चाय और सैंडविच, ग्रिल्ड एंड एक कढ़ाई पनीर, इतना ऑर्डर किया था। तो कुल मिला के वैल्यू टू मनी लगा हमें, और अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रैवलर की तरफ, और हम फिर यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आप देख रहे हैं रक्षित तिवारी के ब्लॉग। गाइस, अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो इसको बोलते हैं ना सिंपली हेवन, ये वो जगह है।
आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये आप जब केदारनाथ की तरफ जा रहे होंगे तब ये रास्ते में पड़ेगी। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और मतलब आप जगह देखिए। मतलब इतनी ज़बरदस्त जगह है ये कि यहाँ से जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है। ये सेल्फी सेशन चल रहा है इन लोगों का, तो ये लोग नहाने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा तो कोई नहाने का इरादा नहीं है, इन्हीं को करने देते हैं जो ये कर रहे हैं। बाकी तो चलते चलते हमें हो गए, बज गया है अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं सुख शांति फैमिली रेस्टोरेंट। ये कुछ बन रहा है ऊपर, लेकिन अंदर अच्छा है, अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। ये लोकेशन है और सबकी हालत हो गई है ख़राब। गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है, और मतलब थोड़ा चलते चलते पहाड़ पे zigzag तो आदमी को थोड़ा ये हो जाता है कि मतलब कि वॉमिट जैसा और ये सब। तो आपको चलो पहले तो रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ अंदर से। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा रहे होंगे छोड़ो, देखिए कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? हाँ ठीक है, बनी होगी तो होटल ठीक है ओवरऑल। और मतलब अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए मंगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं, जैसा कि हमको बोल रही हैं। और अगर लंच मैं तो ज़्यादा नहीं करने वाला, क्योंकि zigzag की वजह से मेरे को ये थोड़ा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी इतना ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन जो भी कोई करेंगे, जितना कुछ भी करेंगे, वो हम आपको बताते हैं, उसका प्राइस बताते हैं। ये मेन्यू कार्ड मैं ऐड कर दूँगा अपने ब्लॉग में, आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाय द वे ओवरऑल बैठे हुए हैं, ठंडा भी लग रहा है, और मतलब ठीक जगह है, अच्छी जगह है। आप आ सकते हैं, यहाँ पर एक स्टे ले सकते हैं, वर्थ इट है। खाना हमने खा लिया है, हमारा बिल बना था 620 रुपये का, 620 रुपये का बिल बना था, जिसमें कि हमारा दो बाल्टी छोटी वाली जो हमने आपको अपने ब्लॉग में दिखाई वो दाल थी, और हमने 3 प्लेट चावल लिया, और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, और शायद 3 या 4 पानी की बॉटल। मतलब यहाँ का भी बर्थ डेट था, हम लोग 12 लोग थे, हम लोग का अराउंड पर हेड 60 रुपीज़ आया सिर्फ। तो मतलब बिल्कुल वैल्यू टू मनी था। हमने दाल चावल इसलिए लिया था क्योंकि हमें सबको वॉमिट फील हो रहा था, और मतलब उस हिसाब से, और सबने थोड़ा लाइट ही खाया, लेकिन फिर भी बहुत ही सही था। और अंदर का मतलब जो जहाँ पे लोग बैठते हैं जो एरिया है वो तो आपने देखा ही है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पर अपना एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, नो डाउट। तो अब हम यहाँ से आगे के लिए निकलने वाले हैं, और टाइम हो रहा है 2:16, मतलब 2:30 बजने वाला है करीबन, 2:16-2:20 होने वाला है। तो देखते हैं हमारा आगे का क्या प्लान रहता है, जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये 7 के लोग हैं उधर, मतलब पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सब रुके हैं, जिस वजह से मैं भी रुका हूँ। तो मैंने सोचा जब तक अपडेट शूट ले लेता हूँ। लोकेशन हमें पता नहीं है कौन सी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है यहाँ पे, और वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और बस ऐसे ही हम थोड़ा सा नींबू पानी पीने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा जब कुछ देखने को मिलता है ना नेचुरल, तो भाई लगता है कि बस यहाँ से जाओ ना। और आपको इन सब लोगों को दिखाता हूँ, ये सब नींबू पानी और ये सब पीने में लगे पड़े हैं। और ये तुमने नहीं पानी पिया ना? हाँ, 1 मिनट रुको। तो आप इन सब लोगों से ब्लॉग में तो मिले ही होंगे, इधर की लोकेशन दिखाता हूँ आपको, देखिए गिर न जाऊँ। भाई साहब मतलब लोकेशन अल्टीमेट है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी सामने से जा रही हैं, और मतलब ऐसा लगता है यहीं कहीं घर वर हो और बस यहीं रहूँ। देखिए इतनी खूबसूरत जगह है ये, नीचे यहाँ पर पानी वानी नदी बह रही है, फिर ये ऊपर बड़े बड़े पहाड़, यहाँ पे लगा हुआ है जाम, और गाड़ी हमारी खड़ी है वहाँ, और हमारे साथ के लोग भी वहीं पे हैं। और हम रुके हैं चाय पीने के लिए,
और क्योंकि जाम भी लगा हुआ था तो इसका हमने फ़ायदा उठाया कि हम चाय पी करके तब आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, कौन रह गया? पुरशान अमन, तुमको भी मिली चाय?